हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा था और हमने उसकी फंक्शनैलिटी डिस्कस की थी कि डेटा लिंक लेयर की कौन सी फंक्शनैलिटी होती है, वो क्या काम परफॉर्म करता है। ठीक है, हम OSI मॉडल पढ़ रहे थे और अब हमने नेटवर्क लेयर पढ़ना है। मैं कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था ड्यू टू सम वर्क, सो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर कि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है। हमारे OSI मॉडल का ये एक लेयर है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो हमारी डेटा की डिलीवरी होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब सोर्स से अगर एक पैकेट जा रहा है डेस्टिनेशन तक, और सोर्स हमारा कोई भी नोड होगा और डेस्टिनेशन भी हमारा कोई नोड होगा। ठीक है, तो जब एक नोड से दूसरे नोड तक कोई डेटा जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल हमारा नेटवर्क लेयर होगा, यानी कि वो डेटा कैसे जाएगा और जो उसकी पहुंचने की डिलीवरी की कंफर्मेशन है वो सारा का सारा नेटवर्क लेयर करता है। ठीक है, यानी कि वो डेटा कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो हमारा नेटवर्क लेयर होगा। मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ कि नेटवर्क लेयर की डेफिनेशन क्या है। देखें, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिविजुअल पैकेट, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर होता है। ठीक है ना, सोर्स होस्ट यानी कि जो भेज रहा है और डेस्टिनेशन होस्ट यानी कि जिसके पास डेटा हमारा जा रहा है। ठीक है, सो इसकी दूसरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरी इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो लॉजिकल एड्रेसिंग ही है, यानी कि नेटवर्क लेयर आपकी लॉजिकल एड्रेस डिफाइन करता है। लॉजिकल एड्रेस को हम वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो नाम है वो लॉजिकल एड्रेस के हैं। अब आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस का आपको काफ़ी सारा पता होगा कि ये हम क्या करते हैं, जो सोर्स का जो पैकेट होता है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर एक आईपी का टैग लगाते हैं, यानी कि वो जो पैकेट है वो कौन से सोर्स से आ रहा है, कौन सी डेस्टिनेशन तक जाएगा, यानी कि वो डेस्टिनेशन की आईपी उसके ऊपर लगेगी और सोर्स की आईपी भी लगेगी ताकि वो डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच पाए। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लॉजिकल एड्रेस है, हम आगे जाके इसको काफ़ी सारा पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोज़ में, लेकिन सिर्फ मैं आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि नेटवर्क लेयर का काम होता क्या है। उसके बाद नेटवर्क लेयर काम आता है हमारा राउटिंग के अंदर। अब जो राउटिंग होती है वो क्या होती है एक्चुअल में, तो जब हम डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सेंड कर रहे हैं या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सेंड कर रहे हैं, सपोज़ करें हम पाकिस्तान से इंडिया या अमेरिका में कोई डेटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डेटा क्या राउट होता हुआ वहाँ तक जाके पहुँचेगा। अब उस डेटा के लिए डिफरेंट राउट्स होंगे, यानी कि डिफरेंट रूट्स होंगे पाकिस्तान से इंडिया तक जाने के लिए। तो जो राउटिंग है, जो नेटवर्क लेयर है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ जो है ना वो सही रहेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अब आप इस पिक्चर को देखें, इसके अंदर ये डिफरेंट हमारे सिस्टम्स हैं और ये राउटर हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, सपोज़ करें ये एक हमारा सिस्टम है जहाँ जो सोर्स है और इसने डेटा हमारा सेंड करना है इस तक, यानी कि जो हमारी डेस्टिनेशन है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंट हमारे रूट्स हैं, पाथ हैं। सपोज़ करें यहाँ से होता हुआ बंदा इधर से होता हुआ और इधर से होता हुआ भी यहाँ तक पहुँच सकता है, इधर से हम डायरेक्ट भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, हम इधर से होते हुए ऐसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है इसके डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट पाथ्स हैं। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा कि जो हमारी राउटिंग हो रही है उसके अंदर से बेस्ट पाथ, यानी कि ऐसा पाथ ढूंढेगा जिससे आपका डेटा आराम से पहुंच पाए आपकी डेस्टिनेशन तक। ठीक है, यानी कि उसने पाथ डिसाइड करना है कि कौन सा पाथ जो है ना वो सही है। ठीक है, नेटवर्क लेयर का ये काम होता है, हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं ताकि आपका डेटा आराम से और जल्दी से पहुंच पाए। ठीक है ना, तो इसलिए राउटिंग के अंदर नेटवर्क लेयर का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमारे जो सिस्टम है दो वो एक ही लिंक के साथ कनेक्ट है तो हमें नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक लिंक के साथ कनेक्ट है, वहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो ये हमारा नेटवर्क लेयर था,
जिसके ये दोनों काम थे, लेकिन जो राउटिंग है इसको हमने आगे जाके बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और ये राउटिंग होती कैसे है, इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स हमारी जनरेट होती हैं, ठीक है। एक टेबल से दूसरे टेबल का एड्रेस मिलता है, फिर वो आपका नेक्स्ट पाथ मिलता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आगे डिस्कस करनी है। अभी हमने सिर्फ नेटवर्क लेयर पढ़ा कि उसके काम क्या होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।